हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। और इस वक्त जो मैं हूँ वो अलशिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में हूँ। मेरे फादर का जो था वो आज ऑपरेशन था आई का, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं और थोड़ी देर में वो जो है उनको डिस्चार्ज कर देंगे। यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं और ये जो हैं मेरे वालिद मोहतरम ऑपरेशन करवा के जो है वो लेटे हैं। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा परेशान नहीं करेंगे आपको, बस आप थोड़ा प्रोसीजर बताएंगे सर कि कैसे आपको जो है वो लेके गए, क्या क्या हो ऑडियंस के लिए थोड़ा सा आसान। पहले तो सारे टेस्ट हुए, एक दिन पहले बुलाया था सारा मेरा, ECG हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, फिर उसका अलग अलग BP सेचुरेशन वगैरह सारे नोट करके, फिर वो आई का टेस्ट एक था लेंस का साइज़ वाइज मालूम करने के लिए, उसे वो कहते हैं ये था क्या होता है, जैसे वो कहते हैं ना उसका होता है उसने उसको जैसे हम वो नहीं करते बायोमेट्रिक, हाँ उसको बायोमेट्रिक कह रहे थे ये लोग, बायोमेट्रिक मेडिकल टर्म में ना बायोमेट्रिक आँख का, कि कौन सी क्या लेंस है क्या है। फिर आज 15 मार्च को मेरी डेट दी थी उन्होंने, 15 मार्च को सुबह हम 8 बजे यहाँ आ गए थे सर, क्योंकि फिर उन्होंने आँख में ड्रॉप दो तीन दिन दफ़ा डाल दिए। फिर मुझे गाउन वगैरह दिया, गाउन पहना, टोपी, सर पे कैप सब पहना, फिर वो ऊपर ले गए ऑपरेशन थिएटर में। फिर पहले तो एनेस्थीसिया रूम में ले गए, वहाँ देना था मुझे, हाथ में एक इंजेक्शन लगाया था, वो लगाने के बाद फिर मेरी दोबारा ये BP और सैचुरेशन चेक करते रहे। जब बिल्कुल आँख वो होगी तो फिर थिएटर में ले गए, थिएटर में जाके लेटाया, पूरा कवर किया मुंह, सिर्फ आई खुली थी और बस पता चल रहा था कि क्या क्या और क्या कर रहे हैं, बस ऐसे तकलीफ वगैरह कोई नहीं हो रही, क्योंकि तकलीफ नहीं, कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। मेरी डॉक्टर थी डॉक्टर रबिया शरीफ भट्टी, शिफा आई की बहुत अच्छी डॉक्टर, बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह उनके, तो वो मेरी डॉक्टर थी। उन्होंने फिर शुरू किया प्रोसेस, उनके असिस्टेंट वगैरह ने सारा करके फिर लेंस डाले, लेंस डाल के बाद में फिर साथ साथ वो मेरे आई वी वो भी लगाई हुई थी, ग्लूकोज वगैरह वो भी चल रहा था साथ करते करते, फिर उन्होंने सारा लग करके सेट करके उसको लेंस को, तो फिर एक इंजेक्शन करती ताकत का भी लगा, वो भी लगा के थोड़ी देर फिर रिकवरी रूम में वहाँ रखा, रिकवरी से फिर उन्होंने कर नीचे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अब 6-6.5 घंटे बाद ये रिमूव करेंगे पट्टी, और फिर ड्रॉप 3-4 तरह के ड्रॉप्स दिए, वो 2-2 घंटे बाद डालने हैं, और फिर कल उसके लिए जाना है, कल जो है वो पापा जो है वो दोबारा चेकअप के लिए आएंगे। अच्छा, पहले जो हम सुनते थे कि आई का जो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है कि इतने दिन पट्टी बंधी रहती है, उससे लेजर से हुआ, लेजर से हुआ है सारा, लेजर से हुआ है, बड़ी जो पॉइंट लेजर होती है उससे हुआ। पहले जो प्रोसीजर होते थे वो कॉम्प्लिकेशन सारी खत्म हो गई है, और अब देखिए पट्टी भी सुनते थे कि जितने दिन पट्टी बंधी रही है तो पट्टी भी थोड़े दिन है ना पापा आपकी पट्टी भी थोड़ी देर में उतर जाएगी, तो एडमिशन का भी नहीं, वो कह रहे बस आप 6-7 बजे अगर चले जाओ, 6-7 बजे डिस्चार्ज, इतना आसान सा प्रोसीजर। कल आके दोबारा उन्होंने देखना है, सिर्फ चेक करवाना है इनको, और बड़ा अगर इस हॉस्पिटल का मैं आपको बताऊं तो बड़ा साफ सुथरा जो है वो, यहाँ से आपको एक साइड व्यू दूंगा, ये बहुत ज़बरदस्त और साफ सुथरा हॉस्पिटल है, ये पिंडी में जो है GG रोड पर है अलशफा आई ट्रस्ट, तो रिकमेंड इसको ही करेंगे हम, अगर किसी ने भी अपने आई का कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो यहीं आए, स्पेशलिस्ट बैठे हुए यहाँ पे, यहाँ पे मोतिया का ऑपरेशन था, वाइट मोतिया, हाँ वाइट मोतिया का ऑपरेशन था, वाइट मोतिया था, अभी एक आई का हुआ है और अभी राइट का हुआ है, फिर लेफ्ट का भी होगा, लेफ्ट का भी होगा, लेफ्ट का भी होगा, 2-4 महीने बाद लेफ्ट का भी होगा, ठीक हो गया। उमर आज एक और हैप्पी डे है, आज एक और हैप्पी डे, और वो मुझे याद करो, याद आया, हाँ निकाह एनिवर्सरी है मेरी, आज तो ट्रीट बनती ही है, फिर बाबू की ट्रीट बनती है, तो ट्रीट बच्चे भी मेरे कहने हैं ट्रीट बनती है, खुश है भाई, दादा के पास आए हैं मिलने, दादा से मिलने आए हैं, बता दो तो दादा से मिलने आई हो, बता दो ब्लॉग में, बता दो कि हम दादा से मिलने आए हैं, वो दोनों होते तो हॉस्पिटल में क्या हुआ होता,
कितना हंगामा हो रहा था अगर मैं मत आओ। मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी वो दिखाता हूँ कि इसका वायर बाहर का कैसा है। ये जो है ना, ये सारे यहाँ पे अलमारी भी है, ये सारी चीज़ें हैं, और ये ड्रेसिंग टाइप का भी कुछ है, बड़ा अच्छा जो है ना इन्होंने वेल सेट। ये बाहर चलते हैं। ये पूरा जो है यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा ये गैलरी टाइप व्यू है इधर का। ये अगर यहाँ से देखें, ये नीचे का सारा जो है वो, लेकिन बड़ा अच्छा और बड़ा मिनिमल सा हॉस्पिटल है, और बड़ा थोड़ी ना हमारे लाहौर की शालीमार वाले लोग आ रही है इसके अंदर। बड़ा और भी रूम्स बन रहे हैं, काम हो रहे हैं इसके अंदर, लेकिन एक बड़ा ही अच्छा सारा बड़ा वेल सेटल्ड हॉस्पिटल इन्होंने बनाया हुआ है आई का, और बड़ा साफ़ सुथरा है। बस थोड़ी देर मेरे पापा डॉक्टर मिलने आएंगे और वो पूछेंगे सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। देखिए वो खुद जो है वो ड्रॉप डाल के गई हैं, थोड़ा सा खोल के वो खुद ड्रॉप्स डाल के गए हैं, दो ड्रॉप्स डालने, ये ड्रॉप्स पड़े हुए, ये जो है ये साइड पे। माँ फातिमा क्या लग रही हो आप? व्लॉगिंग करते हुए आओ जरा। अच्छा सा व्लॉग बनाएं। अच्छा सा व्लॉग बना दो। तो हम यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल में ही हम KFC लेके आए हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। महा और दुआ, महा तो सो रही है यहाँ पे और दुआ जाग रही है। हमने हॉस्पिटल में थोड़ा सा पार्टी वाला माहौल बनाया है। और मामा खाना खाए जा रहे हैं, मामा जो है वो खाना खाए जा रहे हैं। भूख लग रही थी बहुत। हम पहले फिर सोचा कि कुछ सेलिब्रेशन होनी चाहिए, फिर हम बाहर गए, वहाँ से हम KFC लेके आए, फिर यहाँ पे आके ठंडे हो गए, टांगे जल रही थी, गर्म लिए थे तो ये काफ़ी गर्म थी, लेकिन ये ठंडे। वहाँ जो है वो सो के उठ चुकी है, और उसको फिर हमने KFC दिया है, अभी अपना KFC अपना हिस्सा खा रही है। वहाँ फातिमा फिर आपको सरप्राइज़ कैसा लगा? आपको पता है आज क्या है? आपको पता है आज क्या है? क्या है? निकाह की एनिवर्सरी है। तो हम निकलने लगे हैं घर के लिए पापा के साथ, पापा को पूछने आए थे हम, पापा अब कल डिस्चार्ज हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर पापा को कल मैं सुबह लेने आऊँगा। बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। चलो फिर हम निकलेंगे घर की तरफ। यहाँ से मैंने जो थी वो मेडिसिन लेनी थी माँ फातिमा की और दुआ की, तो दुआ पीछे बैठी हुई है बड़ा जगह बना के, और वहाँ मेरे साथ है। यहीं पे मैं व्लॉग को जो है वो एंड करना चाहूँगा। बहुत मज़ा आया आज, और बस कल इंशाल्लाह पापा जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो होपफुली जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।